आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। बिहार सरकार को इस फैसले से तगड़ा झटका लगा है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों इस फैसले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बिहार में पिछले साल राज्य सरकार ने जातिगत जनगणना के आधार पर शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी सिंध, ओबीसी और ईबीसी को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। लेकिन इस फैसले के खिलाफ भागवत शर्मा समेत कई याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीते 11 मार्च को पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की बेंच ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में हार क्यों मिली बिहार सरकार को? याचिकाकर्ता भागवत कुमार बनाम राज्य सरकार के मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से विशाल कुमार और अमित आनंद पेश हुए। एडवोकेट विशाल कुमार ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। अभी जो डिवीजन बेंच है पटना हाईकोर्ट का, जिसमें कि चीफ जस्टिस और जस्टिस हरीश कुमार है, इन्होंने आज एक जजमेंट डिलीवर किया है। उसमें जो बिहार सरकार पोस्ट में, एडमिशन में, सर्विसेज में जो रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दी थी 50% कैप को तोड़ते हुए 65%, उसको जो है स्ट्राइक डाउन किया गया है। बेसिकली स्ट्राइक डाउन इसलिए किया गया है क्योंकि प्रीवियसली भी सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा गया था कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं अनलेस एंड अनटिल ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन है, जो ज़रूरत है कि सोसाइटी का बैकवर्डनेस है या जो भी है उस बेसिस पे। तो उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हुए सिर्फ और सिर्फ कास्ट और सेंसस सर्वे के बेसिस पर, कास्ट सेंसस सर्वे के बेसिस पर इन्होंने रिजर्वेशन को 50 से 65% किया था। उसी चीज़ को हाईकोर्ट ने आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 16 का वायोलेशन बताते हुए स्ट्राइक डाउन किया है। पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए रोक लगा दी है। माननीय खंडपीठ ने यह भी माना कि ये संशोधन विरोधाभासी हैं और इंदिरा साहनी के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा रखी गई 50% की सीमा का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हार की संभावना। पटना हाईकोर्ट से मिली हार के बाद अब चर्चा है कि बिहार सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। इस पर एडवोकेट विशाल कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि आरक्षण को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कोई खास कारण न हो। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया था 50 से 65% किया गया था, वो प्रोपोर्शनल बेसिस पे किया गया है। लेकिन हमारे संविधान में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का बात नहीं है, हमारे संविधान में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का बात है। कि मान लिया जाए कि किसी जगह का पॉपुलेशन को अगर एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है पोस्ट में, सर्विस में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा ताकि उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है एडिक्वेट वे में हो सके। लेकिन सरकार ने क्या की है, सरकार क्योंकि प्रोपोर्शन बेसिस पर, पॉपुलेशन के बेसिस पर रिजर्वेशन दिए, इसीलिए ये माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि 50 से 65% का रिजर्वेशन करना कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को या प्रीवियस जजमेंट जो आया है 1992 में इंदिरा साहनी का, उसको स्टैंड नहीं करता है, इसीलिए ये गलत है। इंदिरा साहनी के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा रखी गई सीमा 50% तय की गई है। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट भी अपने प्रीवियस जजमेंट्स को, प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए ही फैसला सुनाएगी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बहुत बार बोला है कि आप 50% के कैप को ब्रेक नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो। तो अभी जो पटना हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो काफ़ी रीजनेबल जजमेंट है, उसका बेसिस है कुछ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कुछ कह दिया है, वो उसका बेसिस है कुछ, उस आधार पर जजमेंट दिया गया है। इसीलिए ज़्यादा उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। बाकी देखते हैं आगे क्या संभव। कैसे हुआ आनन फानन में फैसला? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी, 50% से इसे 65 या उसके ऊपर ले जाएंगे। सरकार कुल आरक्षण 60% से बढ़ाकर 75% करेगी।
सीएम के ऐलान के तुरंत बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी और 2.5 घंटे के अंदर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद इसे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 9 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित भी कर दिया गया था। दोस्तों, यह फैसला बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ क्या कदम उठाती है। लोकल 18 के लिए पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट।